हेलो रही आप? हाँ जी मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से। आपका नंबर आपके बॉयफ्रेंड ने दिया था आपको मुर्गा बनाने के लिए। What? Yes, लेकिन प्रवीण, how can you do that? Yes, लेकिन जिस सब्जेक्ट पे वो आपको मुर्गा बनाना चाहते हैं मुझे वो पसंद नहीं आया था, इसलिए मैं उनको डबल क्रॉस करना चाहता हूँ। कैन यू हेल्प मी विद इट? Yeah, sure. क्या करना है मुझे? आपको थोड़ी सी एक्टिंग करनी होगी, मैं आपको लॉयर बनकर के कॉल करूंगा। हेलो हेलो प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम से। हाँ, आपने बोला था आपकी गर्लफ्रेंड को मुर्गा बनाने के लिए, वी आर रेडी। ठीक है, बस होल्ड पे रहिएगा। हेलो जी, आपके ऊपर में 180,000 का एक केस है। आप या तो कौन बात कर रहे हैं? एक मिनट, आप पूरी बात सुन लीजिए। 180,000 का केस है आपके ऊपर में, या तो आप ये जुर्माना दे दे या फिर आपको कोर्ट में आना पड़ेगा, पेशी देनी पड़ेगी, आपको लॉयर हायर करना पड़ेगा, उसके पैसे लगेंगे, सारी चीजें जो है वो बहुत खर्चीली हो जाएंगे। 180,000 प्लस प्लस होता जाएगा, समझ रही हैं आप? What the hell, कौन बात कर रहा है? मैं देखिए एक मिनट, आपका बॉयफ्रेंड था और आपने उनसे गिफ्ट में फोन लिया है, आप महंगे महंगे रेस्टोरेंट में खाने के लिए गई हैं उनके साथ में, आप एक हॉलीडे के लिए भी गई हैं उनके साथ में, और आप जगह जगह घूमी भी है उनके साथ में, तो वो जो टोटल खर्चा है ना 180,000 का आ रहा है, बना करके दिया है और केस किया आपके ऊपर। मैं लॉयर बोल रहा हूँ जी, मैं लॉयर, हमारे मुवक्किल जो हमारे क्लाइंट है उनसे तो बाद में बात होगी, पहले आप हमसे बात कीजिए। कोई सेटल ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या उसको मैंने बोला? मैडम जो खर्चा तो हुआ ना 180,000 बंदे का, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से, और मैं कहने पर ही आपका मुर्गा बना था। हेल यार। अच्छा भाई, तो मैं आपका एक्स भी लाइन पे है, भी लाइन पे है। अब आया ना मजा, उस वक्त तो मेरा खर्चा कराते रहे थे, बहुत बहुत कुछ हो रही थी ना तुम। हेलो, हाँ हाँ, क्या बोल रहे हो तुम? मैंने कहा मैं बोल रहा हूँ कि अब आया ना मजा तुम्हारे को, उस वक्त तो बहुत खर्चे हुए थे, उस वक्त तो हॉलीडे पे भी जाना था, फोन भी लेना था, फोन खराब हो गया मेरा। एक बात बताओ, मैंने हो गया, मैं तो बिल्कुल ही बताओ, अभी मैं थोड़ी देर के लिए चुप हो जाऊँ, मैं अब इनसे बात करना चाहता हूँ। मेरे को एक बात बता यार, ठीक है ना, बर्थडे पर मोबाइल खराब हो गया बोला होगा, ठीक है ना, मोबाइल गिफ्ट करने के लिए बोला था क्या इसने? पहले तो उसका मतलब तो वही होता है ना, आपने समझा, ठीक है ना, मैं अगर नॉर्मली आपको बोलूंगा यार मेरा मोबाइल खराब हो गया, इसका मतलब थोड़ी ना होता कि मुझे नया मोबाइल दे दे। तो अरे तो एक मिनट, हॉलीडे का आइडिया किसका, हॉलीडे का आइडिया किसका था? हॉलीडे का आइडिया मेरा था, लेकिन एक मिनट, किसी भी जगह पर जाने के लिए क्या इसने डिमांड की थी कि आप मुझे ये रेस्टोरेंट ही ले जाइए, मैं यहीं पर खाना खाऊंगी, कभी बोला है रिलेशनशिप में? नहीं बोला, लेकिन प्रवीण मुर्गा मेरा चल रहा है, उनका चल रहा है, आपको मैंने उनके लिए बोला था ना, मैं कब से बोल रहा हूँ, जब मेरे को ये हमेशा हिंट देती थी तभी तो। नहीं भाई, ऐसा नहीं है कि वो हिंट देती थी, ठीक है ना, वो हिंट आप समझते थे, एंड मोर ओवर अगर एक रिलेशनशिप में थे आपने और अगर खर्चा किया, ठीक है ना, तो आपने मर्जी से किया, ऐसा नहीं है कि आपके कनपट्टी पर बंदूक रख करके आपसे खर्चा करवाया गया, ऐसा तो नहीं है। अरे तो बोलते रही है ना भाई बार बार, क्या बोल रही है वो? तुमने बोला था, तुमने बोला कि खर्चा करवाओ मेरा, मेरे भाई एक रिलेशनशिप में आप थे, खर्चा हुआ, दैट्स परफेक्टली फाइन, बट दैट डज नॉट मीन दैट यू नो कि लड़की ने बोल बोल करके आपसे खर्चा करवाया। मुर्गा किसी का नहीं चल रहा भाई, मुर्गा किसी का नहीं चल रहा, मैं क्या बोलूं आपको, बताइए रिलेशनशिप खर्चा हुआ, हो गया, खत्म हो गया। रीजन बिहाइंड दैट, मैं तो रोड पे आ गया, वहीं से नई शुरुआत होगी, तुम्हारा वो फोन हद होती है किसी चीज के। हाय फॉक्स, आज के इस प्रैंक कॉल में टैग की जगह आपके उन सारे फ्रेंड्स को जो हमेशा कहते हैं अरे तू घड़ी कितने में लिया, चार में, मुझे बोलता मैं ढाई में दिला देता तुझे, और जब मांगने जाओ बोलो कि दिला दे, तब अभी थोड़ा आइए। हेलो हेलो, आलोक जी बोल रहे हैं? हां जी बोल रहा हूं। आलोक जी नमस्ते, मैं प्रमोद की वाइफ बोल रही हूँ। आप पहचाने नहीं, वो आप लोग जूम मीटिंग में बात करते हैं सब चीजों के बारे में, प्रोडक्ट्स खरीदने वगैरह के बारे में।
हाँ नमस्ते। एक्चुअली मेरे को ना एक लैपटॉप लेना था, तो प्रमोद जी ने बोला था कि आपसे बोले, क्योंकि आप तो हर चीज मतलब सब चीज में ही कम करा देते हैं ना, तो वो 50,000 का मतलब लैपटॉप है, मुझे 35 में चाहिए, तो प्लीज अगर आप दिला सकते हैं। अरे देखिए भाभी जी, वो तो दिलाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी आप देख रहे हैं ना, वो चाइना का कुछ इश्यू चल रहा है अंकल। चाइना का इश्यू तो कल भी था, और आप कल ही जूम मीटिंग में पापा को बोले कितने में लिया, 50 में, हमको बोलते हम 35 में करा देते। हाँ। अंकल कल बोले और आज बोल रहे हैं अभी चाइना का इश्यू चल रहा। मैं प्रमोद का बेटा, मेरा बेटा बोल रहा है, उसको बहुत अच्छी तरह से चाहिए ना, वो खेलना चाहता है। रोड रैश खेलूंगा अंकल, रोड रैश। और आप हर चीज कम में दिला देते हो, 4 का 2 में, 1 का भी लाओ तो आप बोलते 250 में दिला देंगे। अरे बेटा ऐसे बात नहीं करते बड़ों से, मतलब दिलाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अभी बड़े मतलब बड़ा बड़ा बोले ऐसे चलता है, थोड़ा दिला दीजिए ना। और सुनिए ना, ये लैपटॉप की बात तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ हमारा ना एक स्कूटी खरीदने का बहुत मन है, तो हमारा बजट है 70,000 का, तो वो 55 में आप दिला दीजिए ना, आपके लिए कोई बात नहीं है दिलाना प्लीज। अरे नहीं भाभी जी, देखिए देखिए अभी कैसा है ना, ये इंडस्ट्रियल आउटपुट जो है वो काफी कल तक बोल रहे थे कि सब करा देंगे 50 का 35 30 का 15, अभी इंडस्ट्रियल आउटपुट, चाइना बैन, ये वो, अभी वो बोल दो जीएसटी का भी दिक्कत है, बोल दो उधर में बैन चल रहा है। बच्चा मेरी से बात कर रही है, बच्चा भाभी जी संभालिए बच्चे को, छोटा है, संभालना तो आपको भी चाहिए था बचपन में, आप थोड़ा बच्चे को ना अपने मैनर्स सिखाइए, ये थोड़ी ना बात होते है। मैनर्स कौन सिखा रहा मैनर्स है, इतना फेंकते क्यों अंकल, फिर आप इतना फेंकते क्यों यार, तुमसे जान दो ये बात करके कोई मतलब नहीं है, मैं फोन काट रहा हूँ। नहीं नहीं मत काटिए ना, सुनिए ना, दिला दीजिए ना प्लीज, बच्चा है, छोटा है, मासूम है, दिला दीजिए ना। ऐसा तो बिल्कुल नहीं मम्मी, मेरा सीवी खराब कर रहे हो आप। नहीं नहीं अरे भाई छोड़ दीजिए, जान दीजिए आप, मैं प्रमोद से बात कर लूंगा, आप छोड़ दीजिए बाइक स्कूटी। अरे पापा से बात करना, हमसे बात करना बराबर है, पापा जय बैल बुद्धि, उनको समझ आता नहीं है, कोई फेंकता है पापा समझ लेते हैं। आपको कैसे बोल रहे हैं, जान दो यार, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इस कॉल को बढ़ाना, आप दिला ही नहीं सकते 50 का 35 में, खाली बोलना आता अंकल आपको। ठीक है जान दीजिए आप, मत कीजिए, थैंक यू। लैपटॉप क्या रे है, तू 50 का माल 35 में दिलवाता है लोगों को, तेरे को उठा करके लाएंगे जब इधर में, तब तेरे को समझ में आएगा। मैं कौन बात कर रही है जी, कौन बात कर रहा है, तेरे को समझ में नहीं, तू कितने लोगों को टोपी बना रहे कि 4 का माल 2.5 में दिलाएगा, 50 का माल 35 में दिलाएगा, तू कौन है, कौन है तू, गलतफहमी हो गई है, गलतफहमी हो गई होगी, आप कौन बात कर, फोन रिकॉर्डिंग है मेरे पास में, तू सबको बोलता है, तूने इतने में लिया, तू मुझे बोला था मैं इतने में दिला देता, कैसे कैसे दिला रहा है तू 50 का 35 में, तेरे को उठा के लाऊंगा, बोलूंगा तब तेरे को समझ में आएगा। सर सर बात सुनिए, देखिए ऐसा नहीं होता है, आप देखिए मैं मतलब अभी मैं क्या बोलूं सर, मैं एकदम आपको सबको बोला ना, सबको बोला तू ऐसा, चीटिंग मत कर, समझा, चीटिंग मत कर, तेरे को उठा के लाएगा, अभी गाड़ी जाएगा उठा करके लाएगा, तो सच सच बोल, सच सच बोल, 50 का माल 35 में कैसे दे रहा है तू, कैसे सबको बोलता है। अरे नहीं सर, वो जीएसटी वगैरह वो सब टैक्स बिल्स एक्सपेंस सब लगा के 50 हो ही जाता है, इसका मतलब तू लोगों का काट रहा है, तू काट रहा है लोगों का ना, बोल के तू सच बोल, तू काट रहा है कि नहीं काट रहा है लोगों का। अरे नहीं सर, वो बात नहीं है, बट तू जीएसटी किधर से आया अभी, आप तेरे को अब उठाना पड़ेगा भाई, तेरे को कोई उपाय नहीं, उठाना पड़ेगा तेरे को, एकदम बैठ करके बात करना पड़ेगा तेरे साथ में, समझा। ठीक है आप, तू प्रमोद की बीवी को बोला, प्रमोद को बोला 50 का लैपटॉप 35 में, 70 का स्कूटी 55 में। भाई बैठ के बात करने की जरूरत नहीं, मैं आरजी प्रवीण बोल रहा हूँ, 93.5 से मुर्गा बना रहे थे, बंद कीजिए, बंद करो मेरे। हेलो हेलो चल रही है यार, अमन अरे भगवान, हे वाह ऊपर वाले भाई, आज भाई क्या करते हो यार, ये गलत काम है यार, सबको बोलते हो इसका इतना में उसका उतना में, यार डोंट डू दैट, ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस, ऑलराइट गाइस, सो डोंट फॉरगेट टू टैग ऑल योर फ्रेंड्स, जो हमेशा तू बोलना, मेरे भाई है तेरा, मैं सब काम करके देगा तेरे को भाई, आ तेरा। हेलो हेलो अमित जी बोल रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ, आप कौन बोल रहे हैं? सर मैं आपसे ट्यूशन पढ़ना चाहती हूँ सर। अरे बहुत बढ़िया बात है सर, वो JIJA JEE है ना, उसके लिए सर मेरा एक क्वेश्चन है आपको, अगर आप इसका आंसर दे दे तो मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाऊंगी कि आप ही वो ट्यूटर है मेरे लिए। सर व्हाट इज द रियल वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन log 2 24 - log 3 3 = log 5 x? क्या क्या ये कौन सा क्वेश्चन है सर? ये एक्चुअली सर JEE JIJU का क्वेश्चन है।
क्या जे आई जे यू बता रही है, क्या बात कर रहे हैं सर? लड़की जो है वो JIJAJEE की तैयारी करना चाहती है, इसकी बड़ी बहन है, उसके पति है, वो इसके जीजाजी लगते हैं, तो ये जीजाजी के लिए तैयारी करना चाहती है, तो JIJAJEE। क्या क्या फालतू में मजाक कर रहे हो, रखो फोन। सर जीजाजी की पढ़ाई करनी, लड़की पागल है सर, जीजाजी के लिए बहुत प्यार करती है। ओके सेकंड ट्राई। हेलो हेलो सर, दिस साइड डीजे बॉबी, I want to take maths tuition. Okay. Can you solve this problem fast? Then I take your tuition. -2, third bracket open. -3, first bracket open. X -2y, first bracket close. +4y. फिर उसके बाद third bracket close. What? Please repeat again. -2, third bracket -3. आप जवाब तो दे दीजिए ना. अरे क्या पूछ रहे हो बेटा? एक्चुअली दिस इज फॉर PHU PHA JEE प्रिपरेशन। क्या क्या, किस चीज का? सर ऐसा है कि सर शादियों में जो नाराज होते हैं ना, सबसे पहले फूफा जी, ये PHU PHA JEE फूफा जी की तैयारी करना चाहते हैं सर। अच्छा फूफा जी का, जरा रुकना एक मिनट। हाँ जी सर, रुकने के लिए बोल रहे हैं क्या सर? फ्री में करवाएंगे सर इसकी ट्यूशन। हेलो सर, सुनिए सर, रुकने के लिए बोला। हेलो, रुकने के लिए बोले। हेलो सर, एडमिशन पक्का है डीजे बॉबी, मैं बता रहा हूँ। हेलो, अरे अरे आप सरों की गाली दे रहे हैं सर, आप टीचरों की गाली दे रहे सर। हेलो, रख दिया मोसाजी लगा रखे हो। हेलो सर, हेलो, आई रख दिया, लास्ट ट्राई। हेलो, वो MAUSAJEE की क्लासेस करवाते हैं क्या आप लोग? MAUSAJEE मौसा जी, मौसा जी देखिए हमारा और भी एक कोर्स करने का था, AUNTYJEE। तेरा सारा कोर्स निकल गया। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेडियो 93.5 से, साथ में डीजे बॉबी मलिका, हम सब मिलके मुर्गा बना रहे थे। ओह माय गॉड, मेरा क्लास ले लिया, अभी कोर्स कर रहा हूँ। साल का पहला मुर्गा 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। हेलो, मैम यू आर एन इन्फ्लुएंसर ऑन इंस्टाग्राम राइट? यस। एंड आपके 80,000 फॉलोअर्स भी हैं? यस। आर यू इंटरेस्टेड फॉर अ कोलैबोरेशन? थोड़ा सरकारी होगा, सरकारी, ओके, आई कैन सोशल मैसेज आपको देना है लोगों को। आपको मालूम है कि कोरोना कितनी तेजी से फैल रहा है शहर में, पूरे भारतवर्ष में, तो लोगों को बताना है कि इस बार होली पर थोड़ी सावधानी बरते, घर के अंदर रहें, बाहर नहीं निकलना है, समझ रही हैं आप? हाँ हाँ, वो समझ रही थी। और कुछ घर के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें, क्योंकि गुलाल वगैरह से आपका हाथ जब छूता है तो फिर कोरोना फैल सकता है, डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। और क्यों बाहर आना जाना ना, एकदम आपकी समझदारी की मैं दाद देता हूँ, आप मुंह खोलिए, मैं क्या मुंह खोलिए और बताइए, मतलब पैसे कितने लेंगी आप, है ना? पैसे यार I will charge around 40 to 50,000। 40-50,000? Yes। ये आप कैश लेंगी या आपको चेक चाहिए होगा इसके लिए? Cash will work। मैं पहले ही कह रहा था आपकी समझदारी की मैं दाद देता हूँ, आप मुंह खोलिए, आपकी बातों में स्वाद है। Thank you so much. मैं आपको आपके ईमेल एड्रेस पर, मैं आपको व्हाट्सएप करता हूँ, आप मुझे अपना ईमेल एड्रेस दीजिएगा, I'll send you all the details। लोग इन्फ्लुएंस होंगे ना, मतलब लोग मानेंगे ना आपकी बात सुनकर के, वो लोग घर में रहेंगे और बाहर नहीं निकलेंगे, ऐसा होगा ना? ऑफ कोर्स, मतलब मेरे इतने फॉलोवर्स हैं और मेरे हर पोस्ट पे काफी अच्छा रिस्पांस आता है लोग। यस यस यस, इसीलिए हमने आपको सिलेक्ट किया है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आई विल जस्ट टेक्स्ट यू, तो आप मुझे ईमेल एड्रेस भेज दीजिएगा। ओके ओके, अब आइए इसको फंसाने की बारी। हेलो हेलो, हाय हाय, क्या मैं इन्फ्लुएंसर से बात कर रही हूँ? हाँ जी, आप कौन?
हाय मैम, मैम एक्चुअली हम लोगों ने कॉल किया था आपको होली पार्टी के लिए इनवाइट करने के लिए. ओ नो, बट अभी तो देखो कोरोना टाइम है तो मैं थोड़ा अवॉइड कर रही थी बाहर जाना वगैरह. मैम एक्चुअली वी आर ऑफरिंग यू 10 लोगों का एक कबाना, उसमें आप अपने फ्रेंड्स को ले आ सकती हैं एंड यू कैन हैव फन, यू कैन लाइक रियली चिल आउट, खाना पीना सब कुछ फ्री मैम. बट एज आई टोल्ड यू कि कोरोना टाइम है तो मैं ऐसे माहौल में फोटोज तो बिल्कुल भी अपलोड नहीं कर सकती हूँ. मैम कोई प्रॉब्लम नहीं है, फोटोज की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप सिर्फ आ जाइए. आई यू श्योर? मैम यहाँ पे आपको स्पॉन्सर्स के गुडी बैग्स मिलेंगे, गिफ्ट्स मिलेंगे. ओह वाओ, दैट साउंड्स सो एक्साइटिंग. एंड 10 फ्रेंड्स के लिए, मतलब आप संग में उनको ला पाइएगा? सबको ना, पक्का. बट आप श्योर हो ना? मतलब मैं फोटोज वगैरह कुछ अपलोड ही नहीं कर सकती हूँ. कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम, जस्ट चिल, यू डोंट हैव टू पुट एनी फोटो एनीवेयर. ठीक है मैम, बट प्लीज वो बाद में मुझे बस बोलिएगा कि आपने फोटोज अपलोड नहीं किए, बस इस चीज का ध्यान रखिएगा. मैम ये हम किसी को बोलेंगे भी नहीं, आपको भी नहीं बोलेंगे और उनको भी नहीं बोलेंगे जिन्होंने आपको बोला था कि आप मुंह खोलिए और हम व्हाट वो हमारी बात कर रही थी. हमने आपको बोला था कि आपकी समझदारी की हम दाद देते हैं, आप मुंह खोलिए. गॉड, क्या कौन है आप? जी मैं इन्फ्लुएंसर जी. आप इतनी जल्दी इन्फ्लुएंस हो गए. आप थोड़ा जल्दी इन्फ्लुएंस नहीं हो गई, मतलब इतनी जल्दी तो क्रिकेट भी रंग नहीं बदलती होगी जितनी जल्दी आपने. अभी एक सोशल कैंपेन कर रही थी आप कि होली में आपको कहीं नहीं जाना, घर के अंदर रहना है. 50,000 रुपए ले रही थी आप उसकी, 40,000-50,000 रुपए. और अभी आप यहाँ पर 10 जन की एंट्री, फ्री फूड, एंड यू अग्री टू कम टू अ होली पार्टी. एक ही कंडीशन पे कि तस्वीर नहीं अपलोड करनी होगी. बट आप लोग हो कौन? मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से. Oh God, Praveen, यार Praveen, I'm so sorry. I am so sorry. अरे दीदी आप तो मैं मतलब इतनी जल्दी खुद इन्फ्लुएंस हो गई, लोगों को क्या इन्फ्लुएंस करेंगी. सॉरी, ठीक है ना. तो बहुत शुक्रिया 93.5 FM पर. बी सेफ दिस होली, बजाते रहो. हेलो सर, वो आने वाली है सर. कौन आने वाली? सर वो आने वाली है सर, आप भूल गए. वो कौन आने वाली सर? वो आने वाली है, क्या करें? दिमाग खराब मत करो, पहले बताओ तुम्हारा नाम क्या और कौन आने वाली है? मेरे नाम में क्या रखा सर? वो आने वाली है, जल्दी बताओ वरना मैं फोन रख दूंगा. मैं ये जानना चाहता हूँ सर, वो आने वाली. जल्दी बताओ कौन आने वाली है? वो आने वाली क्या करें? तुम लगा, ठीक है आने वाली है तो मेरे पास क्यों आने? अपने पास बुला ले, अपने पास बुला ले. तू हंस रहा है, सामने मिल जाएगा, बता दूंगा कौन आने वाली है, किसको फोन किया. कब से तू बोल रहा है आने वाली है, फोन रख, दिमाग मत खराब कर, चल. हेलो, ये सत्यम कॉम्प्लेक्स 35 नगर बाजार कोलकाता टापी का एड्रेस है. हाँ हाँ बोल रहे हैं. हाँ जी दादा, बहुत कमाल की एक बात थी, पता है क्या होता है? बोलिए. कुंडी थोड़ी सी बड़ी खरीद लीजिएगा. क्यों? दरवाजे छोटे होने का टाइम आ गया है. क्यों, ऐसा क्या होने वाला है? अरे मौसम में सिकुड़ जाता है ना. तो क्या सिकुड़ जाता है? अरे वो आने वाली है. अरे कौन आने वाली? फिर कहीं से फोन आ गया सर, क्या करे बताइए. तू लगा के मुझे क्या पता है कि कौन आने वाली है, मैं क्या करूँ? सर ये तो आप बड़ा गंदा बोल रहे हैं सर, दिमाग मत खराब कर, चल रहा. सर सुनिए ना, हेलो हेलो. हाँ हाँ बोलिए. आई एम हंटर शी वांटेड सी माइक. वो मैं बोल रहा था सर्दी आने वाली है सर, ठीक है क्या करें ये बता दीजिएगा. जाके कंबल में जाकर सो जा, दिमाग मत खराब कर सुबह सुबह. एक तो आपका सवाल जिसका जवाब आप इतनी देर से खोज रहे थे, क्या आने वाली क्या, मैं आपको बता दिया सर्दी आने वाली है तो आप बोल रहे जाके सो जा, दिमाग खराब मत कर. सुनिए ना सर, मैं क्या बोल रहा था, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ रेड एफएम 93.5 से. भाई प्रवीण है, सुबह सुबह मुझे फोन कर दिया, किसने दिया नंबर पहले ये बताओ. वो छोड़िए सर, लेकिन बस वो आने वाली है ये याद रखिएगा. आप सर्दी आने वाली है, कुछ ऐसे आने वाली है. आप पैंट पहन के आप बैडमिंटन खेलिएगा सर, वो आने वाली है ठंडा में. वो आ जाए जितना जल्दी उतनी अच्छी बात है. बस सर बस, इससे ज्यादा बात करेगा तो आपका कमीना पंथी झलक जाएगा सर, ठीक है. हेलो गुड मॉर्निंग, आई एम टॉकिंग टू मिस्टर बांसल. Yeah. Hi, Mr. Bansal. This side, Richard. I'm calling from California. And last evening, you made a bid California for. Just a second, I think. Mr. Tungsten Tiwari. Yes. Where are we calling from? I am Tungsten Tiwari from Noida. And okay. Yeah, yeah. Mr. Bansal, he's the translator. Uh-huh. I know because you're in Indian, and we have a Hindi-speaking translator. Okay. So just wanted to inform you that you made a brilliant bid last night. So now we want to congratulate you, and this car, vintage. Beautiful car belongs to you. नहीं भाई साहब, मतलब बोल, ये गाड़ी आपकी होने वाली है, जल्दी आपके घर के बाहर होगी. So that the amount comes to 22 lakhs dollar.
$22,000 मैं बताता हूँ, 22 पेटी देनी है गाड़ी। 22 लाख फोन में आ रहा है, 22 पेटी 22 लाख फोन में आ गया, लेकिन मैंने कौन सी बिट लगा दी ऐसी, करो तो मैंने मजाक में लगाई थी। एक मिनट सर, प्लीज मोर गोइंग ऑन स्पीक प्लीज मोर इंग्लिश। सो इज देयर एनी प्रॉब्लम बिकॉज वी आल्सो हैपन टू हैव दिस ऑप्शन ऑफ COD कैश ऑन डिलीवरी। इनका कहने का मतलब है कैश ऑन डिलीवरी होता है, कच्चे नोट ताजे नोट पेटी में बंद करके देने हैं। क्यों देने भाई साहब, जब नहीं है। आई थिंक ही इज कॉलिंग फॉर एन एग्रीशन। सो जी कैन वी हैव सम शैंपेन प्लीज। इनको समझाओ कि मेरा $22 नहीं है, मैंने ऐसी मजे में लगाई थी, बट ऐसा कुछ नहीं। ओके मैं सर, ये कह रहे हैं ही लव योर ऑफर और जल्द से जल्द पैसा आपको दे देंगे। इट इज वंडरफुल। ऑफर क्या कर रहे हो? प्लीज मोर धासु इंग्लिश स्पीक। ओके आई थिंक ही इज इगली वेरी गुड कार। यस ही सर, कैन यू प्लीज कम फास्ट एंड वी विल आल्सो प्ले दैट कैसेट इन योर फेरारी। चलो चाहिए 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 चाहिए। भाई साहब क्या बातें कर रहे हो, मैंने कोई इतनी लेनी गाड़ी, आपने बिड किया है ना, तो स्पीकिंग सम फैंटास्टिक एंड फैबुलस। ऑलराइट सो कंस्टेंटिन को समझा दो, ऐसे मैंने तुमने मेरे को कहां से ले लिया भाई, मैं तो नंबर नहीं दिया कुछ नहीं दिया। यू हैव हिज आईपी एड्रेस इफ ही सेइंग दैट एड्रेस एड्रेस थिंगी। हर्ष विहार। हां जी हर्ष विहार। पूछ भी यार हर्ष विहार। हेलो एक मिनट, मैं तो सुन लूं, बीच में बोल ले, मेरे को ना सुनने दे। प्लीज स्पीकिंग अगेन। मैं बोलूंगा ना, आई एम टेलिंग हिज एड्रेस हर्ष विहार। या सर बिल्कुल न्यू डेली। या न्यू डेली है सर। मैं फोन कर रहा, मेरे पास फोन नहीं आ रहा कुछ, तू ही बात कर ले ढंग से इससे। सर ही इज वेरी हैप्पी एंड ही शैल बी। ही मस्ट बी इट्स अ फेरारी। धन्यवाद। हेलो थैंक यू। ही शैल बी डिजर्व। यार फिर एक बात बताइयो, कल गाय ने बिट कर दी थी तूने? हैं हमारी मिन्नत कर लग रहा है तू। अरे सूजी ला रही है कि नहीं ला रही यार? ले कैलिफोर्निया से डाट बन गया है, रहने आ गया। अब क्या करें, इतनी देर से इंग्लिश बुरा वाला आप मेरे को नहीं अच्छा लग रहा हूँ। सुप्रीम 93.5 रेड एफएम से दिल्ली का खड़क लौंडा बोल रहा हूँ, आशीष आपका बैठ। हेलो जितेन भैया। जी जी, जरूरी बात था आपसे। कौन बोल रहा है पहले तो ये बताओ यार। हम आपके शुभ चिंतक। कौन शुभ चिंतक यार? ऐसा भैया, नाम आपका जितेन है लेकिन जब आपका नंबर ट्रू कॉलर में डाले तो आया आशिक। अबे यार कौन बात कर रहा है, बंद हो गई हो तो सही बता दो नाम। छोड़िए हमको गाली, बताइए आशिक क्यों है आपका नाम? अरे ओ भाई मुझे नहीं पता, कोई तो कहानी होगी ना भैया आपके पीछे। वाली हरकतें क्यों कर रहा है? नाम आपका ट्रू कॉलर में आप हमको बोल रहे हैं। अरे लड़की को डेट पे ले जाके ₹5 भी खर्चा नहीं किए होंगे। रख दे फोन, रख दे। ये देखो मेरे ख्याल से इसी हरकत के कारण बूथ साइड गोल मारते हो आप। लड़की नहीं रखा होगा ना भैया? अरे ओ बकवास कर रहा कौन, पीछे चिड़िया बोल रही है आपकी। अरे चिड़िया बढ़िया सब कौए, वो भी क्या बोल रहे हैं मालूम, एक नंबर का आशिक है। अबे ओ रख फोन। सन्नाटे को चीटती सनसनी में कौन बात कर रहा है? आज आपको दिखाएंगे। अरे क्या दिखाएंगे आशिक, इससे रूबरू करवाएंगे आपको आज। अरे बंद करो आशिक, आशिक। और आप डिसाइड करेंगे कि वो आशिक है या उससे भी ज्यादा बड़ा है। अरे ओ, 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 ओ रुक जा, क्या बोल रहा है? अगली आवाज है उनकी सुनिए। अबे अगली आवाज मेरी नहीं, तेरी आवाज है। भाई साहब लैंग्वेज आपकी बहुत खराब है। मैं आदमी भी खराब हूँ, मिल तो मुझे। शायद इसीलिए जो ₹5 की पॉलिथिन का इस्तेमाल गलत काम के लिए करता है। बिना पन्नी के रखता हूँ। ट्यूब में मुंह डाल के हवा भरने वाले इस इंसान से मिलिए। मैं हमको खबर मिला कि कोई लड़की के साथ आप बाहर गए थे, वो लड़की आपका कार्ड दी भैया। कार्ड देगा, दिखाऊं तुझे? दिखाऊं? आप एक काम कीजिए, आप दिखाने के लिए आ जाइए। बता कहाँ आना है? 3A गरियाड रोड देवालिया बिल्डिंग 6 फ्लोर कोलकाता 19 रेड एफएम के ऑफिस है। मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ। अबे यार बोलना बंद कर पक्का। अरे यार ये बताओ पहले प्रवीण भाई, सच में आके कह रहा था क्या ट्रू कॉलर पे? नहीं 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 महा। हेलो जी, आप राघव जी बोल रहे हैं? हाँ जी बोल रहे हैं। आपने प्रिया प्रकाश वैरियर का वीडियो शेयर किया था ना? जी जी। जैसे अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय राकेश शर्मा थे, वैसे ही प्रिया प्रकाश वैरियर का पहला मीम बनाने वाले आप थे। अच्छा? ऐसा है कि आज 14 February वैलेंटाइंस डे है, सो आपसे प्रिया प्रकाश वैरियर आज के दिन मिलना चाहती है, बिकॉज यू आर द होल एंड सोल रीजन जिनके कारण उनके फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर और घर के बाहर चारों जगह फॉलोअर्स बढ़ गए। आप प्रिया से मिलना चाहेंगे कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल मिलना चाहूंगा, ये तो मतलब ड्रीम कम ट्रू टाइप हो जाएगा। क्या ये तो मतलब ड्रीम टू कम ट्रू टाइप हो जाएगा। हाँ मतलब देखिए आपकी अंग्रेजी भी अभी लड़खड़ा रही है, मतलब जैसे लड़की से मिलने की बात आई। आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, उनका जो गाना था ना वो एक बार हमको गा के सुना सकते? कौन सा गाना था वो तो मलयालम। चलिए ठीक है कोई बात नहीं है, मैं आपको एक बार सुना देता हूँ, वो सुनकर आप मुझे जरा बताइए कि ये गाने में क्या बोला गया। आप बहुत करीब थे। अभी क्या है कि प्रिया प्रकाश वैरियर के जो भाई है वो आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है? तो आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि आपको
बनाया जा रहा है, लगना भी नहीं चाहिए, लगना भी चाहिए। भाई से बात कीजिए। என்ன நேக்கச்ச நேம் ராகவ் ராக நினைக்கறே அப்ப எவ்ளோ உண்டா இல்ல நாகல்ல ராகவ் இதென்ன மலையாளம் ஏ பூச்சல आपको மலையாளம் नहीं आती है மலையாளம் नहीं आती है माय सिस्टर इज सो हैप्पी हाउ विल यू टॉक टू हर व्हेन यू मीट हर व्हाट विल यू टॉक माय सिस्टर मेक्स डोसा विल यू मेक अ डोसा फॉर हर एनीथिंग 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 जलीकट्टू यू नो जलीकट्टू क्या मेरे समझ रही चल क्या रहा है क्या क्या देखिए मैं आपको बताऊं कि आपके लहजे से बातचीत से उनका भाई बहुत इंप्रेस हुआ है। आप डायरेक्ट प्रिया प्रकाश वैरियर से बात कीजिए। हेलो बात कीजिए। मैंने तुम्हारा तस्वीर देखा तो फेसबुक में तुम काफी हैंडसम। ये प्रिया प्रकाश है? नहीं ये प्रकाश है, प्रिया रात को बनती है। तुम्हारा नाम राघव मुझे काफी अच्छा लगा। एक बार वो आंख मार के दे दो इनको। आंख नहीं मैं तुम्हारे फोन चला देती जितना मुंह आंख मारता मैं। अभी उन्होंने आंख मारी आपको, कैसी लगी आपको? आंख नहीं गाली, मैं क्या क्या मार दूंगा तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। प्रिया ये गाली दे रहा है। प्रिया से बात कर रहा तुम बता दो भाई यार। आप बहुत आगे तक पहुंचे, स्वागत है आपका आखिरी राउंड में। कारण ही नहीं रेड एफएम है ना। अरे रेड एफएम से बोल रहे थे, मैं आरजे प्रवीण और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था। राघव राघव मैं प्रकाश। हेलो आप जेनिफर बात करेंगे? हाँ कौन? मैं राघव बात कर रहा था फ्रॉम सेकेंडरी एजुकेशन। ओके। करेंटली यू आर वर्किंग इन एन एड एजेंसी। हाँ। माध्यमिक पास करे हुए तकरीबन 9 साल हो गए इफ आई एम करेक्ट। हाँ, राइट नाउ यू नो व्हाट इज हैपनिंग कि आज माध्यमिक के रिजल्ट्स आने वाले हैं। सो व्हाट वी आर डूइंग अ सर्वे कॉल एंड वी आर रिकॉर्डिंग दीज कन्वर्सेशन। वी आर प्रेजेंटिंग इट ऑन आवर डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर पीपल टू नो कि अगर आप कम नंबर भी स्कोर करते हैं तो भी आप लाइफ में बहुत अच्छा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके कम नंबर आए थे बट यू आर डूइंग सो वेल इन लाइफ। ओके। कुछ एक सवाल है जो मैं आपसे पूछूंगा जिसके अगर आप जवाब दे दें तो इट विल बी कन्वीनियंट फॉर अस। ओके। पहला ये है कि आप मन में कोई भी एक जानवर का नाम चुनिए और मैं आपको आपका भविष्य बता सकता हूँ, जैसे तोता, उल्लू, मोर, कबूतर, कौवा, चिड़िया। ओके, मोर। तो मैम आपको बताते हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि पता नहीं आपको ये जॉब कैसे मिल गई। कम नंबर होने के बावजूद आपने इतना अच्छा करा लाइफ में, क्योंकि भविष्य तो आपका खतरे में लग रहा है। आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैंने कहा था ना कि जानवर का नाम चुनना है, तो मैंने जो ऑप्शन दिए थे तोता, उल्लू, मोर, कबूतर, कौवा, चिड़िया, ये तो सारे पंछी हैं। टाइम वेस्ट कर रहे हैं मेरा या क्या कर रहे हैं? नहीं मैं टाइम वेस्ट क्यों करूंगा आपका, मैंने कहा ना कि हम यू नो बोर्ड की तरफ से दर्शाना चाहते हैं लोगों की कम नंबर में भी ना बहुत कुछ किया जा सकता है, जैसे कि आप अचीव कर रही है, यू आर डूइंग सो वेल इन लाइफ, इज़न्ट इट? तो मैम दूसरा सवाल ये था कि एक बोट है विच इज फुल ऑफ पीपल, ओके, बट देयर इज नॉट अ सिंगल पर्सन ऑन बोर्ड, हाउ इज दैट पॉसिबल? मतलब इट्स फुल ऑफ पीपल एंड आई कांट सी अ सिंगल पर्सन। राइट, एब्सोल्युटली, हाउ इज दैट पॉसिबल? मे बी मैंने उस दिन अपने चश्मे नहीं पहने होंगे। एक्चुअली उस बोट में कोई सिंगल पर्सन था ही नहीं, सारे कपल थे, सो दैट इज व्हाई यू कुडंट सी अ सिंगल पर्सन ऑन बोर्ड। मजाक नहीं कर रहे थे, बट आपकी वॉइस बड़ी अच्छी है, आपको मालूम? थैंक यू। ये क्वेश्चन है कि व्हाट विल यू एक्चुअली फाइंड एट द एंड ऑफ एवरी रेनबो? एट द एंड ऑफ एवरी रेनबो यू सेइंग? जी। इससे बड़ी डम्बो देखी नहीं है। रेड कलर। हर रेनबो के एंड में आपको W मिलेगा, RAINBOW। सुनिए ना मैम, मैम लास्ट क्वेश्चन, मैम मैथ्स आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है, आई नो, मैथ्स का एक क्वेश्चन लास्ट, इसके बाद मैं कोई जवाब नहीं दे रही। हाँ जी ठीक है, कोई बात नहीं है। एक साल में कितने सेकंड्स आते हैं? कैलकुलेटर निकाल के कैलकुलेट कर रही है मैडम। बकलोल। 3 करोड़। हाँ जी। 3 लाख। गलत जवाब है वैसे मैम, साल में बस 12 ही सेकंड होते हैं, जैसे 2 जनवरी, 2 फरवरी, 2 मार्च, 2 अप्रैल, 2 मई, 2 जुलाई, 2 अगस्त, 2 सितंबर, 2 अक्टूबर। आप कैसे पास हो गए? 2 नवंबर, 2 मुझे पास होने की जरूरत नहीं, मुझे पास होने की जरूरत नहीं है। हेलो मैडम, मैं आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ, रेड एफएम 93.5 से हम आपकी ले रहे थे। हेलो मैडम, आप प्रशांत को जानते हैं? वो आपके नाम पर एक फ्लावर बुके है। या आई नो हिम। हैप्पी रोज डे। थैंक यू। बाय द वे मैम, बिफोर वी डिलीवर वी जस्ट नीड टू कंफर्म, योर नेम इज पूर्वी? पूर्वी देवलीना। आप देवलीना है? प्रशांत पांडे नाम है इनका। यार इज माय बॉयफ्रेंड, बट आप कौन हो? मतलब लेकिन उन्होंने तो पूर्वी नाम पे ये किया था। आप मुझ पर क्यों चिल्ला रही है? उन्होंने पूर्वी के नाम पर बुक किया है मैम। मतलब पूर्वी के नाम में बुक किया है? आप चेक करो, देवलीना मैम उसने 4 फ्लावर बुक बुक है, एक देवलीना, एक पूर्वी, एक नताशा और एक प्रिया नाम पे। मुझे पता था वो ऐसा ही निकलेगा। आई न्यू इट। पूरी कैरेक्टर लेसन ऑन पूरा बताया भी नहीं मैंने। वो हो सकता है आज आपसे ना भी मिले क्योंकि और भी लड़के हैं ना। हेलो देवलीना, प्रशांत है। सुन के बहुत दुख हुआ, 3 साल का प्यार, 3 साल की दोस्ती, 3 साल का भरोसा, और तुमने एक बार ये तो बड़ी बात है।
जस्ट मैं चेक कर रहा था, टुडे इज रोज डे, तो मैं सोचा वैलेंटाइन से पहले मैं चाहता था कि एक चेक कर लूं कि क्या कर रही हूँ, मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है ये मैं समझ गया भाई। अब मुझे नहीं नहीं, ये जितना भी तुम क्लेरिफिकेशन दो अब कुछ होने वाला नहीं है। 3 साल के अंदर क्या क्या भरा हुआ है ना, आज वो पता चल गया। नहीं बेबी ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें ना वो डिलीवरी बॉय बोल रहा था चार चार को दिया। देखो रोज डे को दिन मैं गोभी का फूल नहीं बनना चाहता। नहीं नहीं वो अच्छा पंचलाइन मारा, रोज डे दिन मैं गोभी का फूल। देवलीना आपका मुर्गा बनाया जा रहा था, मैं रेड एफएम आरजे प्रवीण बोल रहा हूँ। किसको बोल रहे हो बेबी, मुझे या बेबी? प्रसाद करिए था, अगर वहाँ तक प्रसाद पहुँच रहे तो थोड़ा हम भी ले लेंगे बीच में प्रसाद, इसमें क्या है? Do you have any problem? Yes, 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 yes. You have problem? Yes, yes. Okay, objection overruled. आपको कुत्ते को घी हजम नहीं होता, आप कुछ बोलते वो बेटे का पेपर था वो चेक करा रहा था, आप मुझे रिपोर्ट बता रहे हो बेटे का पेपर। बताइए कि आप अदरक के शौकीन हैं? हाँ, खाते हैं। आपको मालूम होना चाहिए बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अपनी जीरा खान जीरा बोलबे उठते मुँह में जीरा नहीं बोलना, कुछ और था लेकिन अब जब आपने बोल दिया तो हम कुछ और ही बोलेंगे। দাদা এরকম গালাগাল দেবেন না, আপনি যে রিপোর্টটা এখানে দিতে এসেছিলেন দাদা আপনি স্টুলের স্যাম্পলটা দেননি। স্টুলের স্যাম্পল নিয়ে কি করবে? আপনার স্টুলটা কি কালো হয়, মানে পটিটা কালো হয়? হয়তো, তো তো তোমার জিজ্ঞাসা করার কি আছে? আপনার ডালটা আপনাকে চেঞ্জ করতে হবে। কি বলছে বেটা, কে এটা? কিউকি ডাল মে কুছ কালা হ্যায়। দেখুন এইভাবে গালাগাল না, দাঁড়ান আপনার রিপোর্টটা দেখি বলছি। রিপোর্টে লেখা আছে আপনার KBNH2 হয়েছে। আপনার কি হয়েছে? KBNH2 হয়েছে আপনার। মানে KBNH2 জানেন না আপনি? কি করে আমি জানবো? KBNH2 হয়েছে, আপনাকে আগে আরো কয়েকটা টেস্ট করাতে হবে। আগে বল KBNH2টা কি? কোন করে বলছে KBNH2 কি? এটা কি ভাইরাস? KBNH2 মানে কুছ ভি নাই হুয়া হ্যায়। দাদা মে আবে সামনে আ দেবো চল, আমি চিনিস না আমাকে, এই এলাকায় আমার নামে কাবে हेलो हेलो प्रवीण, मैं प्रवीण बोल रहा था रेड एफएम से। मैं ना इतना गाली बता रहा हूँ जिंदगी में नहीं सुना जितना आज सुन लिया। इतने बीप, माफ कर दो, इतने बीप, इतने बीप। अपना नाम तो चेंज करे देखे जावा उचित, बीप चक्रवर्ती। हेलो, हमने एड वैड सुना था आपका, देखा भी था कि आप लोग गोरिल्ला ग्लास बिक्री करते हैं। हाँ हाँ हाँ, बेचते हैं, अभी तो फ्रेश माल आया है। हमें क्या ना दरअसल गोरिल्ला ग्लास की जरूरत थी, तो क्या रेट अच्छा लगता है आपके उधर में, मतलब कैसे क्या भाव? तो मतलब कौन से डिवाइस के लिए, सेट के लिए? डिवाइस तो देखिए हमारा अफ्रीका से लेकर के आए हम। अच्छा ठीक है, मिल जाएगा हमारे पास तो, कोई भी आप आ जाओ दुकान पे आ जाओ। 10 फीट हाइट का चाहिए और चौड़ाई में कम से कम 20 फीट का तो होना ही चाहिए मिनिमम, और वो क्या ना चारों तरफ से। मतलब काय के लिए चाहिए आपको? टार्जन ऐसे आता है हवा में ओ करके और उठा करके ले जाता है, तो बहुत दिक्कत हो रही है इसके लिए। हमें गोरिल्ला ग्लास, आप गोरिल्ला ग्लास बेचते हो ना? जो भी बोल रहे हो ना, अच्छा गोरिल्ला नहीं तो सांप का ग्लास होगा आपके पास में? सांप ना, तेरी बिच्छू है हमारे पास में बहुत तरीके तरीके के, वो वैसे बिच्छू का ग्लास चाहिए था। अच्छा क्या होता ना के साथ में सांप बिच्छू सब एक ही जगह पे, आईडी थोड़ी ना चल रही गया है। गोरिल्ला बहुत बेचैन रहता है, देखिए कितनी बेचैन। देखिए पागल हो गया है, उसको गोरिल्ला ग्लास चाहिए। गोरिल्ला देखिए भैया
देखिए पैसों की कमी नहीं है, पैसों की लाइन लगा देंगे हम लोग। पैसों की जरूरत है ना, मैं देना हूं आपको। देखिए बेचैन हो गया, ऐसा है देखिए। हेलो, वो ऐसे फेविक्विक से जोड़ जोड़ करके, ऐसे जोड़ जोड़ करके आप बड़ा बना करके खाचा दे दीजिए। बिजनेस का दिमाग होना चाहिए आपके पास में। ऐसा ऐसा बुद्धि लेके दुकान कैसे चलाएंगे आप भाई साहब? मेरे में दिमाग ही नहीं है। अबे ये गोरिल्ला कम खाली ज्यादा लगे। हेलो, रेड एफएम से बोल रहे थे, आरजे प्रवीण, और आपका मुर्गा बनाया जा रहा था सुबह सुबह। अरे दादा सर, मैं आज गोरिल्ला ग्लास अपनी दुकान की सटी हेलो हेलो नमस्कार, क्या मेरी बात विकास जी से हो रही है? Yes? विकास जी, मैं विनय मोहन बात कर रहा हूँ .com के बिहाफ पे। या विनय सर, आपने 60% डिस्काउंट अवेल करा था, हाउ वाज योर ट्रिप? द ट्रिप वाज क्वाइट गुड, होटल इज वेरी गुड, द सीनरी इज वेरी गुड, वेरी नाइस। लेकिन हमारी तो नाक कटवाया है सर आप। क्या हो गया? हमारी तो मैंने कहा नाक कटवाया है आप। नहीं, नाक कैसे कट गई आपकी? यू मेड आवर नोज कट। आपकी नोज कट गई? जी, हमारी बेइज्जती करा कर आए हो, मतलब कहने वाले वो तो मुहावरा था, मतलब बेइज्जती करा कर आए हो आप होटल में। नहीं, आपकी बेइज्जती कैसे हो गई? मैं होटल में रहकर आया हूँ तो आपकी कैसे बेइज्जती करवा के? सर आपने 60% का डिस्काउंट लिया, न जाने कहाँ कहाँ से आपने कूपन ठूस दिए हैं, पार्टिसिपेट ही नहीं करा आपने। करा कोई भी होटल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करके आए हो आप? किस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना था बस, मैं तो घूमने गया था। ना आपने बेडशीटें धोई है, ना आपने पिलो कवर धोए हैं, ना आपने बर्तन धोए हैं, आप बताओ क्या हमारी इज्जत रह गई उनके सामने? मिस्टर आप क्या बात कर रहे हैं? हाँ जी, कोई कोई कहीं घूमने जाता है तो क्या वो होटल में जाके बेडशीट धोता है कपड़े? सर आप अपने टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं पढ़े ना आपने। मैं आपको बता रहा हूँ। एक सेकंड विकास जी, एक सेकंड होल्ड करना, एक सेकंड होल्ड करना। क्या कर रहे हो आप, थोड़ा ध्यान से। मैं दो ही दिन का था। नहीं, दो दिन का था, क्या कर रहे हैं आप, आराम से धो ना। मैं दो दिन के ट्रिप में मैं तीन दिन से बर्तन धो रहा हूँ। कोई बात नहीं, अभी उठाया। हेलो, दिस इज द इनसेन। हाँ जी बोलिए सर, आप कहीं गए हो कभी? बिल्कुल, क्यों क्यों नहीं गया हूँ मैं। आप क्या बर्तन धो के आते हो वहाँ पे? भाई साहब तो फिर मैं 60% डिस्काउंट नहीं लेता ना। अच्छा, आपने ऊपर से खाना भी होटल वालों से नहीं लिया, आपने क्रॉकरी मांगी होटल वालों से, वो कह रहे हैं यार दाल सूखी हुई है, इन्होंने बर्तन ही नहीं मांगे। यार आप किस तरीके से बात कर रहे हो? आप इस तरीके से डील करते हैं अपने कस्टमर से? इज इट द वे? सर डील तो मैं कैसे करता हूँ मैं आपको सुना सकता हूँ, फोन जरा इधर कर रहा हूँ मैं, एक सेकंड रुकना। सिंगानिया जी, सर मैं ये बर्तन दे दिए, ये साफ कर दी, कढ़ाई में इतना किसने खाया था सब? अरे कौन है, पकड़ रखा है तुमने यार? 70% डिस्काउंट था इनका, 70% डिस्काउंट था, इन्होंने भी आपकी वाली स्कीम करी थी। सर मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, या तो आप देख लीजिए 37,000 रूपए जमा करा दीजिए, या फिर आप दिल्ली में कोई सा भी होटल आप चुन सकते हैं, वहाँ पे जाके आप एक दिन बर्तन मांज देना। क्या मैं अपनी वाइफ से मिल सकता हूँ? वो चादर धोने आपको, मेरे को एक बात बताओ विकास जी, विकास जी पर्सनल रोड पे ऑफिस, आपको कोई दिक्कत ही वहाँ पे चादर धोने में? चादर धोने में बहुत, मेरे को चादर ही धो रही थी तो मैं घर पे नहीं रहता अपने, मैं वहाँ पे एंजॉय करने गया था कि चादर धोने गया था। क्यों भाई, घर पे भी आप ही धोते हो क्या? हेलो भाई, एक सेकंड, सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम से दिल्ली का कड़क लौंडा आशीष बोल रहा हूँ भाई, आपका बैड बजा। मैं सुनता था, मैं ऐसा मैं सुनता था कि कभी फोन कभी मेरे पास आ जाएगा तो मैं पकड़ लूंगा। हेलो हेलो, प्रियांश भाई बोल रहे हैं क्या? हाँ भाई, मैं सोनू बोल रहा हूँ यार। कौन सोनू भाई? उस दिन वहाँ पे क्रिकेट खेल रहे थे ना डीडीए के पार्क में, तब आया था मैं टीटू के साथ। हाँ तो भैया उस दिन वो नहीं लड़की देखी थी आपने, उसका वो मदर डेयरी के पास जो देखी थी, जो आपने बोला था इसका नंबर लाके दे दे यार तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। हाँ तो भैया वो नंबर तो नहीं है, वो प्रियंका है उनका नाम, और सामने खड़ी है, लो बात कर लो, एक काम करो आप। हेलो, बात थोड़ी कर सकते हो? सुनो तो, बात कर रही है, सुनो, बात कर लो। हेलो हेलो, बोलो। नंबर दूं? नंबर चाहिए तुम्हें? पापा का नंबर दूं मैं? हेलो हेलो भाई, बात कर लो ना। अरे भाई तुम नंबर दे दे यार, मैं कर लूंगा बात बाद में आराम से। अच्छा सुनो, और वो जो जिन टिक्की वाले के पास भी तुमने बोला था ना, इस लड़की का भी नंबर ला दे, सोनिया नाम है इनका, बात कर लो। हाय प्रियांश, क्यों चाहिए आपको मेरा नंबर? अरे वो अखबारों से कर ले बात, पागल आदमी यार, तुझसे बात करा यार, तू नंबर मांग रहा मतलब ऐसे थोड़ी बात कर सकता हूँ। फिर कैसे बात कर सकते हो, गरारे करके फोन करोगे क्या ऑटो नील के? हैं, तुमने हमारी जान में लकड़ी का रखी है, तो कभी तुम्हारे को टिक्की वाली पे कोई लड़की दिख जाती है, कभी तुम्हें मदर डेयरी पे कोई लड़की दिख जाती है, कभी कहीं पे दिख जाती है। हेलो, हाँ, कोई लड़की तुमने परवल लेते हुए भी देखी थी क्या? हैं, ये मैडम बात करने जरा। हेलो प्रियांश, नंबर चाहिए तुम्हें? पहले अपनी बहन का नंबर दो मुझे। मैडम वो उनसे बात करा दो आप। हेलो, किसी बात कर रहे थे? अच्छा, मैं हूँ ये चू आदमी जो तुम बोल रहे हो, हैं? तुम ना शट अप कर लो यार तुम। मैंने तेरा नंबर कब दिया? मेरे को लड़के फोन करते रात को 3:30 बजे, पता फोन करके कहते किसी नंबर लड़की नंबर दे दे यार, तुम्हें बिचौलिया हो यहाँ पे। अच्छा है यार, तुम आज ऐसा है, सुनो मेरी बात सुनो, तुम बात करके रहोगे आज, वो जो परवल ले रही थी वो आ जाए मैडम, आना बात करूँ। हेलो, हाँ जी, हाँ प्रियांश, हाँ जी बोलिए। क्या बात करनी थी तुम्हें, बताओ ना। अरे मैडम ये पता नहीं गलत गलत बातें बोल रहा है, मैंने ऐसा कभी नहीं बोला किसी को कि बात करनी है मुझे। तुम बताओ तो क्या बात क्या करनी है, बताओ ना पहले मुझे, मैं भी बात करना चाह रही हूँ तुमसे। अरे मैडम मैं ये
देखो वो गलत आदमी है, वो आपको गलत बातें बोलता है लोगों के। हाँ मैं गलत आदमी हूँ, छिपकलियों का प्रेग्नेंट करवा दिया है। मेरे मम्मी पापा के ट्रू कॉलर पे मौज बाहर नाम आते हैं। पहले ये बता, तेरे से जैसा जलील आदमी देगा पूरे मोहल्ले में, तूने क्या नाम से मेरा नंबर बिकवा रखा है, बिटवा रखा बताइयो। बैंदी वाला हो गया, साले हर लड़की को अपने पास बिठा के रखा हुआ है। मेरे को अब ये सुन मेरी बात, मेरे को ये बता मैं अपने पापा को क्या बोलूं, मौज बाहर कौन है, क्या है, क्यों है? बाप तेरा मेरा। अभी तक तो मैं इन तीन लड़कियों से तेरी फोन पे बात कर रहा था, इसको घर लेकर आ रहा हूँ शाम को तेरे पास। पागल है दिमाग से पहले 6:40 पे देखियो तू। 6:40 पे क्या होगा? बैंड बजेगा आपका जो भी रिकॉर्ड हुआ है। हेलो। हाँ जी भाई, मैं आशीष बोल रहा हूँ, दिल्ली का कड़क लौंडा। किसी ने अभी अभी ये शेर भेजा था, अभी नहीं थोड़े टाइम पहले भेजा था, कि पूरी दुनिया बदल दूंगा है खुदा, बस रजाई से निकलने की हिम्मत दे दे। और सुबह सुबह सर्दी में आदमी रजाई में उठने का जो कष्ट कट रहा होता है, उसी टाइम अगर आप किसी को फोन करके मजे ले लो तो भाई भड़क जाते। ऐसे एक भाई साहब को बहुआ ने फोन लगाया, क्या कैसे? ये जरा सुनिए अंकल, नमस्ते। हेलो। हेलो जी, नमस्ते अंकल। नमस्ते कौन? सॉरी मैं बहुआ बोल रहा था, 2 मिनट चाहिए था। सॉरी भैया, रॉन्ग नंबर। क्या रॉन्ग नंबर? एक सेकंड। हेलो। हेलो भाई साहब, मेरी गलती से फोन कट गया था, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। भैया मैंने काटा था आपसे। सॉरी मैं बहुआ बोल रहा था, आपसे 2 मिनट चाहिए था। बता जल्दी बता, अगर सचमुच एक बार में सुन के आप इस सवाल का जवाब दे दो प्लीज। आई नो नींद में हो, प्लीज एक बार। 2+5 7 +3 10 -3 7 +4 11 +3 14 +3 17 -7 10 -9 1 -1 0 +6 6 +18 24 +7 31 -3 -7 गंदा बोल रहे हैं, मैं माफी चाहूँगा। लोलम सवाल बता। लोलम क्या? जो 28 हो गया आंसर बताओ। एक मैं 28 क्या जवाब दे रही हूँ, सवाल तो सुनिए। सवाल ये है कि भजिए को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तेरी की गंदा नहीं बोलते हैं, ये बोलते हैं। हाँ। बस करिए, 28 बोल रहे, ध्यान से सुनना नहीं ना आपने। साले तेरे नहीं कर सकते। एक मिनट, एक लास्ट पूछता हूँ, इतना सहली है तो एक लास्ट। ये मैंने ऑलरेडी किसी को पूछा था बट आपको रिपीट एक बार प्लीज। हेलो। एक पेड़ पे 6 चिड़िया बैठी है, शिकारी आया बंदूक चलाया लेकिन सिर्फ 5 चिड़िया उड़ी, एक क्यों नहीं? तू बता भाई, मर गई होगी? नहीं। तो? बस नहीं उड़ी, नखड़े हैं मैडम के। चल एंड में तू हंस दिया ना, अंत भला तो सब भला। हेलो। नमस्कार अंकिल। कौन? मैं बहुआ बोल रहा हूँ। कौन बहुआ? जी मैं पूछ रहे थे, पोपट लाल है? कौन पोपट लाल? नहीं पोपट लाल है क्या? कौन पोपट लाल भाई, गलत नंबर मिला दिया। हेलो आपसे। हेलो। सॉरी भाई साहब, गलती से फोन कट गया था। कौन भाई? मैं बहुआ बोल रहा हूँ। कौन बहुआ? अभी फोन किया था ना, पोपट लाल है भाई, गलत नंबर बोल तो दिया था, क्यों मिला रहा बार बार? नहीं हेलो। हेलो पोपट लाल नहीं है? नहीं है भाई, फोन मत करियो आगे। एक से हेलो। हेलो भाई साहब, बहुआ वंस अगेन। मना कर दिया ना एक बार, नहीं भाई बहुआ। नहीं नहीं बहुआ तो है, मैं हूँ। आप एक बार ध्यान से, मैं कह रहा था शायद। हेलो यार, आप फोन क्यों काट रहे हैं? अबे तेरी फोन में घुस के मारूंगा तेरा, सवाल कर दूंगा। क्यों लेकिन आप गलत क्यों बोल रहे हैं? अबे तेरी गलत नहीं है बोबड़ा, एक से मैं बहुआ बोल रहा हूँ ना यार। हेलो भाई साहब, तेरी आप क्यों लेकिन मेरे इत्मीनान से 2 मिनट सुन लो ना यार। भाई साहब आप मान नहीं रहे, मैं पूछ रहा हूँ पोपट लाल आप बोल ही नहीं रहे। एक मिनट इत्मीनान, पोपट लाल बोल रहा हूँ, बोल क्या करेगा बोल। नहीं क्या पोपट लाल है? हाँ मैं पोपट लाल बोल रहा हूँ। तो एक सेकंड, अभी गंदा बोल रहे थे, अभी झूठ भी बोल रहे हैं। झूठ क्या बोला मैंने? झूठ ये बोल रहे हैं कि आप बोल रहे हैं पोपट लाल है। झूठ का बोला, पोपट लाल ही बोल रहा हूँ। पोपट लाल नहीं है, पोपट तो हरा होता है, कैसे पोपट लाल है फिर? चल तेरी गंदा बोल रहा है, वो बोल रहा है। नहीं, वो बैठा है। ओके भाई। आज कॉल किया सन्नी 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 और सन्नी फोन करके बोल रहा रौनक भाई, वैलेंटाइन वीक चल रहा है, इतने सारे डेज लोग मना रहे हैं, बहुआ बन के तो मस्ती ले लो ना। ये सुनो। हेलो। ओह कौन बोल रहा है?
बउआ बोल रही हूँ। आप सॉरी, इफ यू आर अवेलेबल फॉर टू मिनट्स। हेलो, तुम्हारे हेलो में कितने लॉ की मात्रा है? मैं कह दूँ वैलेंटाइन वीक इज गोइंग अराउंड। क्या बोले जा रहे हैं? मैं कह दूँ वैलेंटाइन वीक चल रहा है ना? हाँ जी। कल कौन सा डेट था? जी नहीं जाना, मुझे लगी नहीं। तुम्हारे मुँह से अच्छा नहीं लगता, जब आएगी चला जाऊँगा। बताओ, आपको कुछ काम है तो काम की बात करो, फोन रख। मैं पूछ रहा हूँ कल क्या था? मुझे नहीं बताना कल क्या था, प्लीज एक बार। ठीक है, तुम कहती हो तो कल के आता हूँ, जा रहा हूँ, दो मिनट के बाद करूँगा। अच्छा, दो मिनट में कर लेगा तू? अरे सिर्फ नूडल खाया था, उतने तो खरीद लूंगा। अच्छा, हो गया तेरा? हो भी गया, पानी भी डाल दिया। तो कल क्या था कह दी थी आप? मेरा कहने का मतलब था कल हक डे था, गले लगने वाला दिन। ओ, तो पहले बोल रहा था मैं, फोकट में पन्नी खाली कर आया। आज कौन सा डे है? आज तुझे नहीं पता आज क्या है? नहीं, बस तुम्हारे मुझसे सुनना चाहता हूँ फ्री है। आज किस दिन? अच्छा, कब कहाँ कैसे, बस तू बता दे। अभी चल, देर से थोड़ी ना लूंगी मैं। अच्छा, बड़ी चहक रही हो, आखिर कौन है? जोसेफ नोम कौन है जो दिल ये आज के जमाने का डी स्टेशन? आज हिंदी दिवस है तो आपको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। लेकिन कई लोग जो हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देना चाहते हैं लेकिन दे नहीं पाते हैं क्योंकि वो इंग्लिश में लिख देते हैं हैप्पी हिंदी डे। ऐसे ही एक दीदी को मैंने हैप्पी हिंदी डे लिखते हुए देखा और फिर उनको फोन किया, फिर उसके बाद क्या हुआ जरा सुनिएगा। हैप्पी हिंदी डे भैया। हेलो, नमस्कार। यस, अंजलि वर्मा जी बोल रही है? यस। नमस्कार जी, मेरा नाम बउआ है। पहचाना नहीं मैंने, आप कौन बोल रहे हैं? मैं कह रहा था आपने अभी अपने चेहरे की किताब पे कुछ लिखा। चेहरे की किताब क्या होती है? फेसबुक। अरे यार, हैप्पी हिंदी डे लिखा आपने। हाँ ठीक है, तो हैप्पी हिंदी डे, अरे हिंदी दिवस से शुभकामनाएं तो हिंदी में लिखी। कृपा करके आज कम से कम आपका जो भी उच्चारण है या वार्तालाप की जो भी प्रवृत्ति है उसमें आप हिंदी का अगर ज्यादा प्रयोग करेंगी तो वो थोड़ा सा सुगम और सुंदर लगता है। अगर आप ऐसा करेंगी तो पढ़ने वाले को और लिखने वाले को भी वो सुशोभित करेगा। व्हाट ना? ओके, व्हाट? व्हाट नहीं, क्या, वही मैं कह रहा हूँ। तो आज मेरी कोशिश ये है कि जिन जिन लोगों ने अंग्रेजी का ज्यादा उपयोग किया है उन लोगों को मैं थोड़ा सा सुधारूं। अरे वो तो ठीक है, तो अगर किसी को फोन करके सुधारने का थोड़ी ना ऐसे कोशिश करने लग जाओगे। लिसन लाइक ये भी आप देखिए, मैं कह रहा हूँ अगर आपने फिर से अंग्रेजी में कुछ बोला तो मैं काटूंगा और फिर मिलाऊंगा जिससे आपको और एक मौका दूं कि आप हिंदी बोलें। आपको जो करेगा। अच्छा, मैं हेलो हैंग अप नहीं रख दो बोलना जी। हेलो, फिर से हेलो। आप हिंदी का अगर थोड़ा सा उच्चारण करेंगी तो बड़ा अच्छा अनुभूति होगी मुझे भी और लोगों को भी। आप रुकिए, आप इनसे बात कीजिए। किन से? कौन है भाई? नमस्कार भ्राता श्री, मैं बउआ बोल रहा था, हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दे रहा था। क्या 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 बात करनी है? नहीं, बात बात करनी है, हिंदी बात करनी है। देखो, नहीं सभी को करनी चाहिए आज जब हिंदी दिवस मनाया। दोबारा कॉल मत कर दियो, आप तोड़ूंगा तेरी यहाँ पे आकर। नो, सम मिसअंडरस्टैंडिंग आई गेस। बोल, माफी 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 तो उर्दू हो गई, दैट इज उर्दू। अरे क्षमा 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 क्षमा, दिमाग की मत, क्या करूँ मैं तेरा। मेरी बात कराना, एक सेकंड उनसे प्लीज, आई वांट टू टॉक टू हर। यस हाँ जी, सुन लिया आपने हिंदी का उच्चारण? हेलो, फिर से आप हेलो बोल रही हैं, आपको सुनो बोलना चाहिए देवी। ये कौन थे यार, ये फिर हिंदी में बात कर रहे हैं यार, देख क्या वो बच गए, रात नहीं आ रही तेरे को। आई थिंक सम मिसअंडरस्टैंडिंग, सी नो मिसअंडरस्टैंडिंग गई तेरी में। बस करो, इट्स नॉट हिंदी डे, इट्स हिंदी दिवस। अबे हिंदी दिवस तो उसने क्या कह दिया, उसने बुरा अगर हैप्पी बोल दिया तो हैप्पी हिंदी डे। तो योर सिस्टर, सी वॉज योर सिस्टर, राइट? अबे सिस्टर होगी। बस करो, हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। हेलो, can't imagine, ladies here. कौन बोल रहे है? Hi, Bawa speaking, ladies. तो किससे बात करनी है? चिकन टिक्का। हाँ जी। मटन कबाब। What? अंडा करी। Shut up. Hello. Sorry, गलती से फोन कट गया था। अरे आप बोल कौन रहे, फोन गलती से नहीं कटा था, मैंने काटा। अच्छा, ओके। कुडूत को पाया से काशी काट्या, कहाँ काट्या, मुर्ग क्या बोले, चिकन या बाप डैड।
सर्जी क्यों रहा है? कुछ काम है तो बता वरना फोन। मैं क्या कह रहा हूँ, टंगड़ी कबाब, चिकन टिक्का, मटन कबाब, अंडा कड़ी, मुर्ग मुसल्लम, रोगन जोश, टंगड़ी कबाब, चिकन लबाब दाद, ये सब क्या है? मुझे क्या पता क्या है, मुझे नहीं चाहिए इनमें से कुछ भी। वेज थोड़ी डाउन। तो बोले क्या जा रहा है फिर? आपके साथ नॉन वेज बातें कर रहा हूँ। क्या ऑफ? कौन सा ऑफ? ओ कंडा बोल के काटा। हेलो सॉरी सॉरी, कौन बोल रहे? गलत नंबर, मैं लेडीज को लगा रहा था। नहीं नहीं, यही नंबर है, यही नंबर है, यही इतनी देर। हाँ वो उनको फोन दीजिए जो बात कर रही है। तू साले तू जो है गंदा नहीं बोल रही है, मैं उनसे बात कर रहा था ना। आप कैसे उठा सकते किसी और का फोन? लेडीज आर यू हीटिंग मी आउट? मैंने कुछ गंदा बोला आपको? ये आपके भाई, आपके भाई साहब मुझे गंदा बोल रहे हैं। साले भाई होगा तू। ओ साले रख सॉरी। हेलो, पता चल गया नॉन वेज बात? नॉन वेज बात, ये नॉन वेज बात होती है? तो तुझे क्या लगा, जो तू कह रहा था वो नॉन वेज बात? अगर ऐसी बात है तो फिर मैं नहीं करूंगा आज से ये बात। नहीं नहीं थोड़ी सी और कर ले। नहीं आज नहीं करूंगा, आज बात टॉपिक ही बदल देते हैं। सुनो, आलू जीरा क्या, बंद गोभी का भाजी, मटर पनीर, ये वेजिटेरियन कर दे, आलू पराठा, हेलो छोले कुलचे, अब वेजिटेरियन कर दे लो। शुल्क लागू। हेलो, व्हाट अ कोएक्सीडेंट, बहुआ बोल रही हूँ। लेडीज हाँ जी बोलिए। बेपना प्यार। अच्छा आपको अच्छा लगा? मैं आई एम कॉलिंग फ्रॉम BCBL। ओके, BCBL की फुल फॉर्म बता दो पहले। बहुआ कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, आई एम दी ओनर, चेयरमैन, व्हाट एवर यू कॉल। 2 मिनट है? हाँ हाँ 10 मिनट है, बताइए। मैं आपकी जगह होता फोन काट दिया होता। अच्छा ठीक है, चलो रखो। ओ वाह, इस कॉल टून को कॉपी करने के लिए सिर्फ स्टार दबाओ। सोना, अरे अब क्या हो गया? जब कॉल टून में पड़ा है सोना। हाँ जी, हमारे बैंक ने एक नई स्कीम निकाली है। अच्छा जल्दी जल्दी बताओ मुझे ऑफिस के लिए। ऑफिस जाना। हाँ, आपका जो पैसा है जी वो 32 गुना हो सकता है आगे। ओहो, उसके लिए आपको मैं सोल्यूशन बता दूँ, आपको लेट हो रहा है ना। हाँ, जल्दी 100 रुपए का नोट अपने हाथ में ले लो। अब देखिए 100 रुपए का 3200 कैसे होता है, ध्यान से ठीक है। 100 रुपए का नोट लेके उसका एक कोना पकड़े। अच्छा पकड़ लिया। कोने से 100 रुपए को धीरे धीरे मोड़े, रोल करे। अच्छा रोल करें, रोल कर लिया। ठीक है, और कर लिया, और कर लिया, थोड़ा दूर जाके कर। मैं बहक सकता हूँ? अरे नहीं बहकोगे, पूरा डोल कट लिया, डोल कट कट के अब क्या बन गया 100 रुपए का? बत्ती बन गई ना? बत्ती। हाँ हाँ हाँ, बत्ती बन गई। और 100 की बत्ती। अच्छा बत्ती 100। अरे वाह, 3200। अरे वाह, वेरी नाइस, समझ गया तुझे, 32 बन गए, बन गए, बन गए। जैसा मैंने तुझे बनाया वैसे ही आप भी कॉपी करने के लिए स्टार्ट अब नो दबाए और लोगों को 3200 बनाए। अब हो गए पागल? तो बस काफी है। हेलो, हाँ, व्हाट अ कोएक्सीडेंट, लेडीज, हाय मैं बउआ बोल रही हूँ। लेडीज हू? बउआ मी बउआ फ्रॉम वेयर? Oh, too much English is engineers to help. Hello. मतलब ओके, who are you? Just tell me. Let's decide. Hello. Hindi. Deal करते Hindi. Okay. Come again? Yeah, I will come again and again. God. Sorry, do you have 2 minutes? Hindi में बोलो, 2 मिनट है, बोलो. Oh, sorry. Yeah, in a desi girl. Desi. मेरे पास टाइम नहीं है फालतू बात के लिए। अजय सुन, बात तो सुनिए। दूध का जला छाछ को फूक फूक के पीता है। दूध का जला जला छाछ एंड ऑल दैट, क्या हुआ? लेट मी ट्रांसलेट दिस इनटू हॉट मिल्क ड्रिंकिंग एंड बर्निंग। ओह माय गॉड। एंड देन आफ्टर दैट ड्रिंकिंग बटर मिल्क व्हाइल डूइंग फूफू। हिंदी में बोलोगे? ओके लिसन, कोई कहता है दूध का जला भी छाछ को फूक फूक के पीता है, यानी दूध का जला यानी जले पे नमक यानी दूध में नमक यानी दूध फट गया यानी फटने के बाद दूध बना पनीर, यानी पनीर को भी फूक फूक के खाना होगा। Are you laughing? No, I'm not laughing. You are actually. Stupid joke से मुझे कोई हंसी नहीं आती है। तो अच्छा सुनिए, तो यानी मैं फूक फूक मार के खुद ही हंस रहा हूँ। Sorry. Am I doing that much too much? Yeah, you're doing too much. Oh, let's do 3 much. Just shut up. Spoon को बोलते हैं चम्मच।
अच्छा जी, अच्छा इसलिए देखिए, ये दूध का जलना, छाछ को फूकना, पनीर का फटना, मैं इसको जड़ से खत्म करना चाह रहा हूँ, इसलिए सीधे तबेले में आ गया हूँ। क्या? और मैं सोच रहा हूँ भैंस को भी फूक मार दूंगा। साला है क्या तेरा प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम? नहीं, भैंस को फूक मार दो, न दूध को फूकने, न छाछ को, बात खलास। दूध छाछ भैंस है क्या ये? तो देसी गर्ल अब्यूजिंग, जस्ट टच, आप मैं अंग्रेजी में भी अब्यूज कर सकते, समझ आई है? आर यू श्योर? यस आई एम श्योर, जस्ट गंदा बोला छी आंटी। हेलो। हेलो जी। हाँ जी, मैं स्पीकिंग विद मिस्टर त्यागी जी। हाँ जी, बोल रहा हूँ। Are you comfortable in English or is it speaking in Hindi, ji? हाँ, I comfortable in English also. Are you comfortable? तो फिर तो हिंदी बोलना चाहिए मुझे। बोलिए। बोलिए। नमस्ते जी भैया जी, मैं बउआ बोल रहा था, होटल से बात कर रहा था, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही है आवाज। आप तीन लोग के साथ आए थे भोजन करने के लिए, how was the food? कैसा था भोजन, आपको खाना कैसा लगा? हाँ खाना अच्छा था, सबको अच्छा लगा। एक फॉर्म भी भरे था आपने शायद, मेंबरशिप वाला? हाँ जी भरे। हेलो, जस्ट दो मिनट अगर मैं उसको क्रॉस चेक करवा लूँ जी भाई। तो पूरा नाम आप लिखते हैं? त्यागी। हाँ, बहुत बढ़िया। और एज क्या होगी? एज मेरी 27 साल है। सेक्स? सेक्स तो कभी किया नहीं। नहीं नहीं, मेल फीमेल वाला पूछ। क्या मेल तो मेल ही होगा ना। नहीं नहीं, एक बार कंफर्म करना चाहते हैं। आई गॉट योर पॉइंट, ठीक है। सो मैं पूछ रहा था, आप प्योर वेज है जी? हाँ हाँ बिल्कुल प्योर वेज हूँ। तो इसके अलावा कभी नॉनवेज कभी कुछ भी नहीं खाया? नहीं नहीं, बस मैं अब खा लेता हूँ, और वो भी केक में खा लेता हूँ, ऑमलेट में कभी नहीं खाता। वेज प्योर वेज है, लेकिन अंडा खाते हैं, लेकिन ऑमलेट वाला नहीं, केक में अगर पड़ा हो तो। इसके अलावा कभी और कुछ ट्राई किया? और मैं करी खा लेता हूँ, चिकन की करी करी खा लेता हूँ, पीसेस नहीं खाता मैं। अरे वाह, मैं नोट कर रहा हूँ भाई साहब। घर पे बनता है वेजिटेरियन? नहीं घर पे नहीं बनता, क्योंकि घर में सारे वेजिटेरियन है, मैं बाहर खाता हूँ। बाहर खाते हैं तो रेगुलरली खाते हैं? नहीं नहीं नहीं, जब दोस्तों के साथ पीने बैठते हैं तब खाते हैं। तो पीने बैठते हैं तो खाते हैं प्योर वेज, लेकिन बिल्कुल। हाँ वो भी जबरदस्ती करते हैं तब खाते हैं। जबरदस्ती दोस्तों कर देते हैं पीने के लिए, और पीने बैठते हैं तो। तो ये कोई पर्टिकुलर दिन पे खाते हैं या फिर? नहीं, बुधवार शुक्रवार और रविवार को खा लेते हैं। खा लेते हैं। मंगलवार शनिवार नहीं, नहीं गुरुवार छुट्टी देखनी है ना इन तीन दिन। नहीं नहीं नहीं, तो मैं वही नोट कर चुका हूँ, आप प्योर वेज हैं, अंडा खाते हैं, चिकन नहीं खाते, लेकिन अंडा ऑमलेट वाला नहीं केक वाला खा लेते हैं, लेग पीस नहीं खाते लेकिन तड़ी खा लेते हैं, और ये सब बाहर खाते हैं, जब जबरदस्ती की जाए तब खाते हैं, पीने बैठते हैं तभी खाते हैं, और बुधवार शुक्रवार और रविवार को ही खाते हैं, वरना आप हैं तो एकदम प्योर वेज है ना? हाँ जी हाँ, ये सही बोला मैंने? हाँ जी। देखिए आजकल बरसात होने वाली है, थोड़ा जल्दी थोड़े पेड़ वगैरह गिरेंगे, बिजली के खंभे गिरेंगे, तो एक सजेशन था मेरा। बोलिए। तो कोई अच्छा सा खंभा देखकर, बिजली की नंगी तारी देखकर चिपक क्यों नहीं जाते भाई साहब? हेलो, अपने हिसाब से पूरा रूल बना। वेजिटेरियन बोल रहे हैं उसको। हाँ सर, अंडा खाता है, केक में खाता है, तड़ी। हेलो, खंभे गिरेंगे पता है ना? मैं खंभे तेरे 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, अगर आप ऐसी कैटेगरी में आते हैं तो मुस्कुराते रहो। चलो भाई। हेलो, नमस्ते अंकिल। नमस्कार भाई, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? बस नहीं, बस बदन पे सितारे लपेटे हुए वाला बह। क्या करूँ? मैं आपसे दो मिनट चाहिए था। मैं कह रहा था मेरे को ना एक तकलीफ है थोड़ा। अच्छा। मेरे को बात करते करते ना भूलने की बीमारी है। कब से है भाई ये बीमारी तुझे? हैं? कब से है बीमारी? क्या कब से है बीमारी तुझे? ओ आदमी, क्या बीमारी, कौन बीमार? मेंटल है क्या? अभी तो तुझे कहा बीमारी है। आप है कौन? तूने बोलना था, समाज के जवान। हेलो, सॉरी भाई साहब फोन कट गया था। तू पागल है क्या? क्या हो गया ऐसे गंदा? तू फोन कर रहा है मुझे? गलत मत, मैं आपसे बता रहा था ना मेरे को तकलीफ है। उसके बाद तू बोल रहा है क्या तकलीफ? फोन हुआ नहीं ना, तू भोगते ना क्या? मैं कह रहा था मेरे को ना बार बार भूलने का बीमारी है। तो भूलने की बीमारी तो मैं थोड़ी दवाई दे दूंगा तुझे। क्या? मैं दवाई थोड़ी दे दूंगा तुझे बीमारी तेरे है तो। कौन सी दवा? तू पागल है क्या? पागल आप हो गए, आपके घर पे लोग होंगे, आप एक मार देना। जब पसंद नहीं है तो फोन रख देना, फोन उठा के हेलो हेलो कट रहा है। कहाँ से फोन कल इतना बोलिए? भाई साहब मुझे ना स्कूल में एक प्राइज मिला है, उसके बारे में आपको बताना था। तेरे को भी प्राइज मिला? पता नहीं, सुनिए तो क्या प्राइज मिला है? क्या मिला? मेमोरी क्विज में फर्स्ट आया हूँ मैं। मेमोरी क्विज में तू फर्स्ट आया? भूलने की बीमारी है तुझे, मिल रहे प्राइज मेमोरी क्विज के। प्राइज? कौन सा प्राइज? अरे तूने तो बोला अभी प्राइज है। आप है कौन? बैठ बैठ फोन नहीं आ रहा। छोटा मुँह बड़ी बात, ये बात आपने बड़ी बार सुनी होगी। हाँ
छोटा मुंह से मैंने बड़ी बात करी कैसे? इस पे मजे आपने पहली बार अब सुनेंगे, मैं बजा रहा हूँ। सुना भाई। हेलो। हेलो जी, नमस्ते। हाँ नमस्ते, कौन बोल रहा है? डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप? नरेंद्र मोदी। अरे कौन बोल रहा है? राहुल गांधी। अरे भाई कौन बोल रहा है? तो मैं जानता हूँ इनको। ताजमहल, कुतुब मीनार। अरे कौन बोल रहा है यार, टाइम नहीं है फालतू, पानी ताता होना रख रखा है। जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। बउआ बोल रहा है? हाँ बोल, के काम है? आप हिंदी में बोल सकते हैं थोड़ा सा? हाँ हिंदी में बोल रहा हूँ। हाँ कौन बोल रहे हो? मेरी आवाज सुन के कैसा आदमी लगता हूँ मैं आपको? भाई एक नंबर लगता है। आप पर्सनल हो गए। मैं कह रहा हूँ मतलब उम्र में क्या? उम्र में तो भाई तू बिल्कुल नालायक छोटा आदमी लगा है। छोटा आदमी ना, हाल है सुना। तो मैं जब छोटा होगा तो मेरा मुंह भी छोटा होगा। हाँ बिल्कुल भाई। हाँ तो छोटा मुंह और बात, लेकिन मैं बड़ी कर रहा हूँ, छोटा मुंह बड़ी बात, जैसे डोनाल्ड। बिल्कुल टाइम नहीं है तू फोन। हेलो बुर्ज खलीफा। अरे यार फिर तू आ गया दोबारा। नासा का रॉकेट। रॉकेट अपने पे ले ले। अबे फोन रख तू। खूबसूरत लड़की का ईगो बड़ा होता है। मैं छोटा मुंह बड़ी बात कर रहा हूँ। कलाम जी की सोच, धोनी का छक्का, माँ का प्यार, पिता का त्याग। बस गलत। आईफोन 51। आईफोन 51 देखा तूने? जब आएगा तो बड़ा होगा ना, बड़ी बात है। छोटा मुंह बड़ी बात। सुबह सुबह सुनो। अरे बाइक, ये क्या बात है? मतलब उठाती ही मतलब यार। अरे पता है साला तू ही होगा। 8 डब्बे की मेट्रो, बड़ी होती बड़ी बात है ना। हाँ भाई। KRK। KRK तो बड़ा ही है, चाहे जैसा भी हो बड़ा वाला ही है। हाँ है बड़ा है। सुनो दिल्ली वालों का दिल। हाँ बड़ा होता है। हाँ आप भी कुछ बोलो ना, आप तो कुछ बोल। अफ्रीका वालों का है। क्यों रहा है? उनके यहाँ नारियल के पेड़ बड़े होते हैं, उसी से उठा के पटक देते हो। और तिरंगा के ब्रिगेडियर सूरदेव सिंह आखिरी है। ये कैसे बड़ा? अरे वो सिगार के धुएं की आड़ में मिसाइल का फ्यूज कंडक्टर ही निकाल दिया था। गेंडा स्वामी का मिसाइल फ्यूज कर दिया था, बड़ा काम था। साले तेरे गेंडा स्वामी की मिसाइल। गलत। छोटा गेंडा स्वामी फ्यूज कंडक्टर। मेरे उसमें। हेलो। हेलो जी, कौन? अंकिल जी। हाँ जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? मैं बउआ, मैं तो छुट्टी पे आया हुआ हूँ जी। अरे तू है कौन? मैं नहीं जानता भाई। भाई सुनो तो मैं बता दूंगा सब। पहाड़ों पे आया हूँ छुट्टियों पे। कौन से पहाड़ों पे आ गया तू? प्रॉब्लम ये है ना, सुनिए। सुना हटी के खंडा। अरे जल्दी सुना। सॉरी, यहाँ पे ना पहाड़ों के बीच में ना घाटी के अंदर कोई छुपा हुआ है। मतलब? जैसे मैं तो पहाड़ की चोटी पे खड़ा हूँ। मैं यहाँ से जो भी चिल्ला रहा हूँ ना, वो रिपीट करते हैं नकल मेरी। अब वो आवाज घूमती है। अरे नहीं, गूंजने वाला अलग होता है, ये नकल कट रहा है। बताऊँ मैं कैसा? कैसे? एक सेकंड रुक, मैं करूँगा, आवाज आएगी। सुन। सुना अतीक के खंडे। थप्पड़ मार दो साले। सॉरी सुन सुन, चिल्ला रहा हूँ। 3, 2, 1। हेलो 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 बेटा, ये सराउंडिंग होती है। एक सेकंड वापस आएगी। गाली बग उसको। एक सेकंड, ऐसा मत बोल यार। क्या तू भी एक बार ट्राई करना ऐसा है। चल फोन कर। फोन कर। हेलो एक सेकंड। क्या है, मानेगा नहीं तू? भाई साहब सुनो तो, कोई आदमी नकल कट रहा है यार, ऐसे थोड़ी होता है यार। मेरे एक सेकंड रुका। क्या भाई साहब, एक बार आप बोल। मेरे को काम करना है। आप एक बार बोलो ना, मैं फोन लाउड स्पीकर पे रख रहा हूँ। पहाड़ में कोई छुपा हुआ है, बोल रहा हूँ आपसे। एक मिनट, 3, 2, 1 चिल्लाइए। हेलो। नहीं यार आप जोर से अच्छे से नहीं बोल रहे, एक बार वापस से बोलो चिल्ला के। हेलो हेलो हेलो। क्या है? क्या है? क्या है? कौन है बे? तेरा बाप। मैं हूँ बहुत। तेरी गलत मत बोलिए। चल तेरी ऐसा मत बोलिए आप प्लीज। अरे एक बार लाउड स्पीकर पे बोल रहा हूँ। स्पीकर पे ही है बहुत। तेरी 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 कुछ आवाज में खराबी है शायद, ये पलट के नहीं आ रही है गूंज के। मेरे हो? नहीं, पता है वो कौन है? कौन है? पूछ के देख। कौन है? तेरा बाप। आवाज गूंज। हेलो। ये हुई ना मर्दों वाली बात, ऐसा अक्सर लोग करते हैं, कहते हैं। तो बउआ ने इसी पे मजे लिए, जरा सुनिए। हेलो। इस ट्यून को कॉपी करने के लिए स्टार दबाएं और हेलो। यार टोन सुनने ही नहीं दिया, तू लगाया क्यों? 30 रुपए बर्बाद कर रहा है। कौन है भाई? बउआ बोल रहा था। अंकि बोल बेटा। बाप लग रहे हो क्या बेटा बोल रहे? अरे तू भी तो अंकल बोल रहा है। क्या बात है, स्टार्टिंग में जी अच्छी बीतेगी आगे। सॉरी एक सेकंड, मैं कह रहा था जो मोजे होते ना जुड़ावे,
एक जोड़ी जुड़ावे 4 हफ्ते तक उलट उलट के पहनना। उसके बाद? उसके बाद एक ही कुंडी पर, हाँ, एक ही कुंडी पर 10 कमीज टांग देना। अबे क्या कर रहा है? एक सेकंड, जिम जाते हो आप? हाँ, जिम जाता हूँ। जिम में जैसे ही कोई लड़की आए, हाँ? 5 किलो का वजन रख कर 25 किलो का उठा लेना। अबे ये है क्या जो तू बोल रहा है? ये हुई ना मर्दों वाली बात। मर्दों वाली बात? हाँ, मर्द ऐसी सुन, पीने के बाद गाड़ी तेरा भाई चलाएगा ये कहना। सुनो, मर्दों वाली बात है कि नहीं, जब तक अंडरवेयर आटा छानने वाली छलनी ना बन जाए तब तक उसे घिस घिस के पहनने। अरे इस ट्यून को कॉपी कर। हेलो यार, फिर नहीं सुनने दिया, 30 रुपए बर्बाद कर दिए तू। अबे मैं 30 से 60 बर्बाद करूँ तो तेरे अंदर क्या खुजली है? एक सेकेंड, टूथपेस्ट खत्म होने के बाद उसकी गर्दन मरोड़ मरोड़ के उसमें से जूस निकाल और वो खाली वो डब्बी रोल करके दे दूंगा। सही बात है, ये भी है मर्दों वाली बात। एक बाइक पे 5 लोगों को बिठाना, मर्दों वाली बात। पेट्रोल पंप पे 30 रुपए का पेट्रोल डलवाना, ये भी मर्दों वाली बात। ऐसे मत देखो, तेरी भाभी है ये बोलना, ये भी मर्दों वाली बात। झूठे बर्तन तब तक ना धोना जब तक उसकी दोबारा जरूरत ना पड़े, ये भी मर्दों वाली बात है भाई। ना मैं तो बताता हूँ मर्दों वाली बात। हाँ, आप भी बताइए मर्दों वाली बात। तेरे जैसा कोई लड़का, हाँ, छींची मत बोल, घर पे बुलाना, उसके पीछे, हाँ, उसको 10 लाते मारना। ये भी मर्दों वाली बात है, ये भी मर्दों वाली बात है भाई। पीछे एक मिनट, पीछे मतलब कहाँ? पीछे वही, थोड़ा पीछे। पीछे मतलब पीठ पे? नहीं, थोड़ा नीचे आना बेटा, कमर पे। नीचे आ, थोड़ा थोड़ा और नीचे। अच्छा, जांघों पे? अबे नहीं, थोड़ा नीचे चला गया, थोड़ा ऊपर ऊपर। अच्छा, कमर पे? अबे तेरी बार बार इसी शब्द का प्रयोग करना, ये हो मर्दों वाली बात। फोन रख गंदा आदमी।